नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। इस समय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। ये चुनाव नगरीय जीवन को हम कैसा बनाना चाहते हैं, नगरीय जीवन में लोगों को बुनियादी सुविधाएं कैसे मिलनी चाहिए, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए क्या प्रयास होना चाहिए, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर के भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में एक बार फिर से जनता जनार्दन के सामने है। आपने पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की प्रतिष्ठा को देखा है। भाइयों बहनों, आज दुनिया में भारत के बारे में धारणा बदली है। भारत को लोग आज सम्मान की निगाहों से देखते हैं। भारत आज वैश्विक लीडर के रूप में अपनी एक नई प्रतिष्ठा को बनाने में सफल हुआ है। इसका कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व, जिन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने के लिए पिछले 9 वर्ष के दौरान जो प्रयास किए हैं, आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। आप याद करिए, जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, आजादी के अमृत महोत्सव में पहली बार आपको लगा होगा कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तब हम लोग आजादी के जश्न को देख नहीं पाए थे। आजादी के उस जश्न में उस समय की सरकार ने आम जनमानस को जोड़ने का कितना प्रयास किया होगा, इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं। इस समय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। ये चुनाव नगरीय जीवन को हम कैसा बनाना चाहते हैं, नगरीय जीवन। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज अलीगढ़ के दौरे पर हैं, पहुंच चुके हैं। बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर सपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज अलीगढ़ में रोड शो भी करेंगे। मिर्जापुर से अगली खबर है। बताते चले कि 96 विधानसभा उपचुनाव में सपा ने अपना दल एस के मंत्री आशीष पटेल पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधानों पर सत्ता पक्ष के प्रत्याशी को वोट देने का दबाव बनाया जा रहा है। मिर्जापुर में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्याम सुंदर शुक्ला ने पत्रकार वार्ता कर अपनी जीत का दावा किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मिर्जापुर नगर निकाय चुनाव में जो भी पार्टी या निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहा है, वो बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य से चुनाव लड़ रही है। मेरी भावनाओं को जनता तक, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने के लिए मैंने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, ताकि हमारे नगर क्षेत्र के जितने भी मतदाता हैं, सबको मेरी भावनाओं का पता चल सके। क्या है आपकी भावनाएं? भावनाएं, आप लोग मिर्जापुर से बिलोंग करते हैं, मिर्जापुर के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मिर्जापुर बहुत बड़ा जिला होने के बावजूद भी आज तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा है। किसी की भी सरकार रही हो, मैं नहीं कह रहा हूं, आपको याद होगा कि बहन मायावती जी की सरकार 1997 में जब आई थी, तो उस समय मंडल, जो जिला मंडल होता है, कमिश्नरी जिसको कहते हैं,
वो बहन मायावती जी के कार्यकाल में हुआ। केरला स्टोरी फिल्म 5 मई को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होने के बाद से ही फिल्म को लेकर कहीं विरोध प्रदर्शन तो कहीं इस फिल्म के समर्थन में लोग सड़कों पर दिखाई दिए। इस फिल्म के समर्थन में योगी यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता सिनेमाघर में पहुंचे। यहां पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ द केरला स्टोरी फिल्म देखी। इस फिल्म को देखने के बाद योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अजय तोमर के नेतृत्व में संगठन पदाधिकारियों ने फिल्म देखने वाले दर्शकों का चंदन तिलक लगाकर स्वागत अभिनंदन किया। लेकिन फिल्म देखने के बाद संगठन पदाधिकारियों और अन्य दर्शकों का गुस्सा भड़क गया। फिर क्या था, सभी ने मिलकर मेहर सिनेमा के गेट पर ही जिहाद और आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी की और अपना आक्रोश व्यक्त किया। देखिए सर्वप्रथम परिचय की दृष्टि से अजय तोमर प्रदेश अध्यक्ष योगी यूथ ब्रिगेड, ये मेहर टॉकी है, यहाँ पर हम आए हुए हैं बालूगंज आगरा में द केरला स्टोरी देखने के लिए। संगठन की पूरी टीम आई हुई है, सभी दर्शकों ने ये पिक्चर देखी, सारी टीम ने हमारी ने ये पिक्चर देखी है। पिक्चर को देख कर ऐसा लगा कि भारत एक बहुत बड़े खतरे में है जिसे समझने की आवश्यकता है। इस्लामिक जिहाद और इस्लामिक आतंकवाद के तहत इस भारत में किस प्रकार एक बहुत बड़ा जिहाद का जाल फैलाया गया है हिंदुओं को समाप्त करने के लिए और भारत को इस्लामिक देश बनाने के लिए। आपने देखा होगा कि 57 से अधिक देश आज इस्लामिक देश बन चुके हैं और इसी कड़ी में भारत में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इनका चल रहा है जिहादियों का कि हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाओ, उनका धर्मांतरण करो, उनका निकाह करो और उनको सीरिया में ले जाकर आतंकवादी बना दो और उनको सिर्फ अपने जिस्म की हवस मिटाने के लिए। मिर्जापुर पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और प्रदेश प्रभारी ने मिर्जापुर में हयातनगर में आम आदमी पार्टी के लिए नगर निकाय चुनाव के लिए जनसभा की। इसके बाद उन्होंने एक होटल में प्रेस वार्ता भी की। प्रेस वार्ता के दौरान संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। गलत बहस। आम आदमी पार्टी की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये चुनाव सिंबल पर होता है, क्योंकि इसलिए इसके फैसले हमारे आगे बढ़ने का, हमारे हमारे जहाज के टेक ऑफ की एक शुरुआत कह सकता हूँ। सर, कर्नाटक में बजरंग बली के बाद अब द केरल फिल्म भी आ गई है, क्या कहेंगे एंट्री हो गई है? देखिए ये एक गलत बहस चलाई जा रही है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, हमारे पूजनीय भगवान किसी भी दल किसी भी संगठन से बहुत बड़े हैं, कृपा करके उसकी तुलना किसी संगठन से मत कीजिए। कभी आप लोग कहते हैं बजरंग बली तो दलित थे, फिर कहते हैं आदिवासी थे, उनकी जाति बताने का काम करते हैं। कभी आपके उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी कहते हैं सीता मैया तो टेस्ट ट्यूब बेबी थी। कभी आप के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी कहते हैं कि मोदी जी राम है, अमित शाह हनुमान है। ये सब बंद कीजिए। भगवान हमारे आराध्य देव, उनकी तुलना। मिर्जापुर में निकाय चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन किया। मीडिया से बात करते हुए पूरे देश में बजरंग बली और बीजेपी कांग्रेस के बीच मचे सियासी बवाल पर बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जैसा किया है वो वैसा ही भर रही है। कहा गया है कि जो जैसा करण वैसा भरण, कांग्रेस ने जो ऐसा किया वैसा वो भर रही है, जनता उसे सजा दे रही है। अब जनता ने पूरे देश के कांग्रेस को ऐसे ही बैन कर रखा है कि गांव में नहीं आना है, मोहल्ले में नहीं आना है, अब राजनीति में नहीं जाना है, विधानसभा सदन में नहीं जाना है। वो ये लोकतंत्र में जनता जनार्दन मालिक होती है, जज जो होती है जनता होती है, तो जनता ने खुद ही कांग्रेस को बैन कर रखा है। अब हम अपने देश में जैसे राम का नारा लगाएं, जय बजरंगबली का नारा लगाएं, जय जय निषादराज का नारा लगाएं, भगवान कृष्ण का नारा नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? अल्लाह अकबर बोलेंगे भारत में, हैं क्रिश्चियन का नारा लगाएंगे? ये भारतीय भूमि है। अगर दुनिया में, अगर दुनिया के सभी देशों में अगर जितने मुस्लिम राष्ट्र हैं
तो अगर वहाँ इस्लाम धर्म का नारा लगता है तो कोई आपत्ति नहीं हमें है, और देशों में जो नारे लगते हैं। मिर्जापुर में बीजेपी के बागी अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी मनोज श्रीवास्तव के द्वारा मतदाताओं के लिए गिफ्ट पैकेट बनवाने का वीडियो वायरल हुआ है। बता दें कि गिफ्ट पैकेट में प्रत्याशी और चुनाव चिन्ह का स्टिकर लगा हुआ है। मिर्जापुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक निर्दलीय प्रत्याशी जो कि मनोज श्रीवास्तव नाम के शख्स बताए जाते हैं, जो कि मनोज श्रीवास्तव खुद हैं, उन्होंने गिफ्ट पैकेट बनवाए हैं प्रत्याशी और चुनाव चिन्ह के स्टिकर लगाकर ये लोगों में वितरित करने के लिए उन्होंने गिफ्ट पैकेट बनवाए हैं। रायबरेली में अवैध कटान की खबर करना एक दैनिक अखबार के पत्रकार को भारी पड़ गया। दरअसल अवैध कटान का विवरण छापने से खुन्नस खाए लकड़ी ठेकेदार ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर पत्रकार पर हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए तो ठेकेदार और उसके गुर्गे मौके से फरार हो गए। बता दें कि ये पूरा मामला गुरबख्शगंज थाना इलाके का है। एक पेशेंट जतुआ टप्पा से रेफर है और बता रहे पत्रकार है, काफ़ी चोटें हैं उसको और यहाँ पर स्टेट वगैरह सब कुछ हो रहा है। उसके बाद क्या हालत है? मुरादाबाद जनपद के भगतपुर थाना क्षेत्र के करनपुर रोड ढाबे के पास कल दोपहर भीषण सड़क हादसा हुआ था। बता दें कि इस हादसे के दौरान 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी, लेकिन भीषण हादसे में देर शाम तक 3 अन्य लोग और काल के गाल में समा गए। अब मृतकों की संख्या बढ़कर 10 बताई जा रही है। देखिए वहां वो इंटीरियर था, इंटीरियर होने कहाँ का काफ़ी घायल वहाँ से यहाँ पहुँचे हैं विभिन्न अस्पतालों में, तो जिला अस्पताल में पहुँचे हैं, कॉस्मोस में हैं, फोटोन में हैं, तो इन लोगों का सबका सर्वे हम लोगों ने कराया है। करना ने वहाँ सब लेखपाल ड्यूटी पे लगा दिए, पूरी समय लगी हुई है। जो अभी तक संज्ञान में आया है 9-10 के बीच में है लगभग कैजुअल्टी, और हमारे 13 लोग घायल हैं जिनका इलाज विधिवत चल रहा है। CDO सर हमारे यहाँ लगे हुए हैं, SP City साहब हैं, सभी ADM स्टाफ साथ हैं हमारे, और सभी स्टाफ लगा हुआ है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, तो इसमें अभी पोस्टमार्टम 8 लोगों का हो चुका है और शेष के लिए मतलब रायबरेली में कुएं में पैर फिसलने से एक युवती उसमें गिर गई, जिससे वो डूब गई और उसकी डूबने से मौत हो गई। बता दें कि ये पूरा मामला गदागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत दीन शाह गौरा गांव का है। मुरादाबाद जनपद के डिलारी थाना क्षेत्र के अदलपुर गांव में आज उस समय हड़कंप मच गया जब बाबू अली नाम के व्यक्ति का शव नाले में स्कूटी के नीचे मिला। गांव के लोगों ने युवक का शव नाले में पड़ा देखा तो पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम के साथ पर और वहां घटनास्थल पर पहुंची और पूछताछ कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये अदलपुर गांव है, यहाँ के एक बाबू हैं जो भोजपुर जाके काम करते हैं, रात में वापस आए। रात में जब वापस नहीं आया तो उनकी पत्नी ने फोन उन किया है, तो फोन पिक नहीं हुआ है। मॉर्निंग में करीब 5:30 बजे लोगों ने देखा है घर के पास में जिस स्कूटी से वो जाते हैं वो स्कूटी पलटी हुई है और उसके नीचे वो गिरे हुए हैं, और इसमें हम लोगों ने तत्काल पुलिस ने यहाँ पर पहुँच के घटनास्थल को प्रोटेक्ट किया है और बॉडी को हमने तुरंत PM के लिए भेजा। PM के बाद जो भी उसमें निकल के आएगा। और गाड़ी चलाता था भोजपुर की, और गाड़ी मतलब कल इन्हें गाड़ी चलाई, 4:00 बजे गाड़ी लेकर आया। इन्हें गाड़ी खाली करने के बाद में घरवाली ने फ़ोन करा, इसने बात कर ली, बात करने के बाद में फिर इसकी घरवाली ने फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं उठाया भी, फिर बात ही ना हो पाई, फिर इसका पता नहीं चला। टाइम से बात नहीं हो पाई, 4:14 पर बात हुई, 4:14 के बाद में फिर फोन लगाई 8:00 बजे तो नहीं फोन उठाया, फिर 12:10-11:50 पर करीब तो फोन नहीं उठाई। क्या कोई रंजिश थी? ना, कोई रंजिश।
मृतक क्या कुल। रायबरेली में अनियंत्रित तेज रफ्तार डंपर ने घर के सामने खड़े मासूम बच्चे को रौंद दिया है। इस दौरान बच्चे की मौके पर मौत हो गई। बता दें कि ये पूरा मामला जगतपुर थाना क्षेत्र के दुर्गागंज गांव का है। क्या मामला हो गया यहाँ? यहाँ पे सर वो लड़का आ रहा था, साइड के किनारे था, वो साला शराब पीकर गाड़ी चढ़ा दिया। कौन चढ़ा दिया? वो ट्रक ड्राइवर। कहाँ लगे हैं ट्रक? क्या चीज? ट्रक कहाँ जा रहा है? ये ट्रक इधर जा रहा था। कौन सा गांव है? ये दुर्गागंज है। क्या मामला हो गया यहाँ? रायबरेली के सलून थाने में तैनात दरोगा को ड्यूटी के दौरान पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि ये पूरा मामला सलून थाना क्षेत्र के अंतर्गत रसूलपुर गांव के पास का है। हाँ, छविनाथ यादव ये 57 साल के हैं, उनकी लेफ्ट नी में इंजरी लग रही है, तो यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट करके एडमिट किए गए। ये सलमान थाने में तैनात हैं दरोगा जी। हाँ। तो अब कैसी स्थिति है इनकी? अब वो एक्सरे के बाद पता चलेगा फ्रैक्चर है या नहीं है, तो ऑर्थोपेडिक के लिए। निकाय चुनाव से पहले गाजियाबाद पुलिस ने अपने खुफिया तंत्र को सक्रिय कर रखा था, जिसके बाद पुलिस को अवैध तमंचा फैक्ट्री की सूचना मिली, जिस पर थाना लोनी और लोनी बॉर्डर क्षेत्र पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। अवैध हथियार बनाने वाले बदमाश इतने शातिर थे कि एक जगह ज्यादा दिन टिकते नहीं थे और अक्सर जंगल और सुनसान इलाके में सुनसान जगहों को ही अपना ठिकाना बनाते थे। बदमाशों ने इस बार थाना लोनी बॉर्डर के टीला शहबाजपुर गांव के जंगलों में अपने एक कमरे को अपना ठिकाना बनाया, वहां अवैध हथियारों का निर्माण भी शुरू कर दिया था। ये जो थाना लोनी बॉर्डर के क्षेत्र में एक टीला शहबाजपुर एक गांव है, चौकी सेवाधाम क्षेत्र में पड़ता है ये, वहीं पर चेकिंग के दौरान इन लोगों को सूचना मिली और उस तरह से इन लोगों ने कार्रवाई की है, जिसमें लोनी और लोनी बॉर्डर की टीम ने जाके पकड़ा है। तो उसमें दो अभियुक्त उस समय मौके पे थे, एक अभियुक्त तो फरार हो गया जिसका नाम सरफराज है, दूसरा उसका मित्र फरीद पुत्र महबूब है और ये रहने वाला थाना लोनी क्षेत्र का ही है और इसकी गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों के पास से कुल 11 अवैध तमंचे जो 315 बोर का है, साथ ही साथ एक अवैध तमंचा 12 बोर का, उसके अलावा 14 अवैध अधबने तमंचे व उनको तमंचे बनाने का उपकरण भी मिला है, कुछ पाइप्स इस तरह की चीज़ इत्यादि चीज़ें मिली हैं। और अभी इस फरीद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, जो दूसरा फरार अभियुक्त है इनका साथी सरफराज, उसकी तलाश जारी है, जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। यूपी के हापुड़ से खबर है। बताते चले कि थाना कपूरपुर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 12 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस, 5 अधबने तमंचे और भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण पुलिस ने बरामद किए हैं। थाना कपूरपुर जनपद हापुड़ की पुलिस द्वारा ग्राम बझड़ा कला के पास नहर की पटरी पर एक खंडर और झाड़ियों में से एक फैक्ट्री शस्त्र बनाने वाली उसका पर्दाफाश किया है, जिसमें दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका पूर्व में भी फैक्ट्री तथा अवैध शस्त्रों के संबंध में आपराधिक इतिहास वृहद है। इनके अभियुक्तों के कब्जे से 12 अवैध तमंचे तथा 5 अधबने तमंचे और अवैध शस्त्र फैक्ट्री में प्रयुक्त होने वाले सामान जैसे कि लोहे की रॉड इत्यादि। रायबरेली में विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा विभाग की तरफ से किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आज विश्व हिंदू परिषद अवध प्रांत गौ रक्षा विभाग के द्वारा एक किसान सम्मेलन कृपलानी सरस्वती शिशु मंदिर रायबरेली में आयोजित किया गया है। हमारा कहना है कि गाय बचेगी तो देश बचेगा, इतना ही नहीं तो गाय बचेगी तो विश्व बचेगा जी। और से गौ के आधार पर कर्जा मुक्त किसान होगा, रोजगार युक्त नौजवान होगा, स्वस्थ भारत होगा, समृद्ध भारत होगा। और इसलिए हमारा आग्रह कि गाय ये हमारी माता है, 33 करोड़ देवताओं का उसमें निवास है। आज यहाँ पर आपके रायबरेली की अपने कार्यकर्ताओं ने
किसान सम्मेलन का आयोजन किया है और इस कारण अपने राष्ट्रीय गोरक्षा प्रमुख दिनेश चंद्र उपाध्याय जी पधारे हुए हैं। इसे एक बड़ा संदेश जाता है कि अपनी पुरानी पद्धति से जुड़ करके और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं और जैविक कृषि को अपनाएं और अच्छा करें। प्रांतीय किसान सम्मेलन था गोरक्षा विभाग की, सिंधु प्रसिद्ध गोरक्षा विभाग की तरफ से, इसमें हमारे सभी प्रांत के भी कार्यकर्ता किसान भाई और हमारे रायबी जिले के कभी किसान भाई जो उन्नत खेती करते हैं या अच्छे गौपालक हैं, जैविक खेती करते हैं, उनको आज इस कार्यक्रम में हम लोगों ने आमंत्रित भी किया था और काफ़ी किसानों को जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं या गौपालक हैं उनको संगठन द्वारा जो है सम्मानित भी किया गया था। हमारे केंद्रीय अधिकारी माननीय दिनेश जी द्वारा उनको सम्मानित भी किया था, अवधेश जी द्वारा हमारे अधिकारी। तो आज ये कार्यक्रम त्रिपलानी गोपाल सरस्वती में संपन्न हुआ। सर कहाँ कहाँ से लोग इस पे आए हुए थे? इसमें हमारे मुरादाबाद के मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने जिला बिजनौर में पहली बार जिला प्रशासन के तत्वाधान में पीली डैम पर भारतीय कायाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन नई दिल्ली के सहयोग से कल 3 दिवसीय सीनियर पुरुष और महिला अंतर्राज्यीय केनाय स्प्रिंट चैंपियनशिप का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है। हमारे लिए ये जो आज की शुरुआत हुई है वाटर स्पोर्ट्स की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कई मायने में। एक तो बिजनौर की जो संभावनाएं हैं उसको एक्सप्लोर कर, बिजनौर के एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनौर के जिलाधिकारी समेत उनकी पूरी टीम एक्सप्लोर कर रही है। पर्यटन के साथ साथ स्पोर्ट्स को जोड़ना, क्योंकि आज जो आप देख रहे हैं पीली डैम पर ये वाटर स्पोर्ट्स की करीब करीब 16 प्रतियोगिताएँ ऐसी हो रही हैं जिसमें जो ओलंपिक में भी शामिल हैं। हमारे जो यहाँ के जितने प्लेयर्स हैं उनको एक बढ़िया जगह मिले, एक बढ़िया ट्रेनिंग मिले, एक बेहतर वातावरण मिले, इसकी भी एक शुरुआत है जो हम करने जा रहे हैं। और इसके बहाने यूपी के कन्नौज से अगली खबर है। बताते चले कि 2 दिन से लापता 7 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई और शव को छत विछत हालत में मक्के के खेत में फेंक दिया गया। वहीं जब स्थानीय लोगों ने बच्ची के शव को देखा तो पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। अगली खबर अयोध्या से है। बताते चले कि अनियंत्रित रोडवेज बस पेड़ से टकरा गई। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि बस 2 भागों में बट गई। हालांकि इस दौरान इस हादसे में सभी यात्री बाल बाल बच गए। बता दें कि बस में 15 यात्री सवार थे। और इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।